इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट बैठक से पहले हो सकता है विभागों का बंटवारा। मोदी सरकार के 57 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज होगी जहां विभागों का बंटवारा हो सकता है। थोड़ी देर में हो सकता है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। शाम 5:30 बजे मोदी कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई गई है जहां विभागों का बंटवारा हो सकता है। मोदी कैबिनेट की यह पहली बैठक आज शाम 5:30 बजे होने वाली है। वहीं अमित शाह के मंत्रालय पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जहां अमित शाह ने कल शपथ ग्रहण की है। कैबिनेट बैठक से पहले हो सकता है मंत्रालयों का बंटवारा। मोदी सरकार के 57 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शंकर सुमन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जी शंकर, आपसे जानेंगे मंत्रालयों का बंटवारा होगा विभागों में, किसे कौन सा पद दिया जाएगा। वहीं इस पर सबसे ज्यादा अगर निगाहें टिकी हैं तो अमित शाह के पद पर टिकी है, उन्हें कौन सा कार्यभार दिया जाएगा, क्या किस तरह का संशय बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए कि अभी कुछ वक्त के बाद ही इसका खुलासा हो जाएगा। जिस तरह से हमारे पीएमओ सूत्रों से जानकारी मिली है, उन्होंने बताया है कि कुछ ही समय बाद मंत्रालय में मतलब किन किन को क्या विभाग मिलेगा मंत्रियों को, इसका बहुत जल्दी ही सामने आ जाएगा, खुलासा हो जाएगा, क्योंकि आज शाम में ही पहली बैठक है कैबिनेट की। साथ ही ये भी जानकारी आ रही कि आज कई सारे जो बड़े मंत्रालय जिनको ये पदभार मिलेगा वो आज अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसको लेकर भी ये जानकारी आ रही कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जल्द से जल्द, जिस तरह से कल सारे मंत्रियों ने शपथ ली है, तो उसमें जरा भी विलंब ना किया जाए और काम पे सारे मंत्री लगे। इसको लेकर बिल्कुल बिना विलंब किए हुए आज प्रधानमंत्री ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। जिस तरह से बिम्स्टेक समूह के जो यहाँ राष्ट्राध्यक्ष हैं, देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात जारी है। सबसे पहले उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात की है, तो इस तरह से लगातार बारी बारी से वो बिम्स्टेक समूह के जो देश हैं उसके जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं शपथ ग्रहण समारोह में अतिथि बन के, उनसे द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री बारी बारी से मिलेंगे उनसे, तो उसी के तहत ये भी देखा जा रहा है कि जल्द से जल्द विभागों का बंटवारा कर दिया जाए, जिससे कि मंत्री हैं अपने ऑफिस को तुरंत ज्वाइन करें और कामकाज की शुरुआत कर दी जाए। तो इसको लेकर जल्दी ही ये सामने आ जाएगा, खुलासा हो जाएगा कि किनको कौन सा विभाग दिया जा रहा है। ये निश्चित तौर पे है, जैसा कि आपने कहा है कि सबकी जो निगाहें हैं, नजर है अमित शाह के ऊपर है, क्योंकि अमित शाह को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। हालांकि चर्चाएं कयास लगाए जा रहे हैं वित्त मंत्रालय को लेकर कि वित्त मंत्रालय शायद अमित शाह देखेंगे, लेकिन औपचारिक तौर पे कुछ वक्त में जब इसका खुलासा हो जाएगा तो सबके सामने चीजें आ जाएगी। जी, जिस तरह से अमित शाह पर इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि वित्त मंत्रालय उन्हें दिया जा सकता है, वहीं सुषमा स्वराज भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, ऐसे में विदेश मंत्रालय किसे दिए जाने की संभावना है। देखिए, विदेश मंत्रालय को लेकर जिस तरह से एस जयशंकर जो कि पूर्व विदेश सचिव रहे हैं, उनको सीधे तौर पे कैबिनेट मंत्री का शपथ दिलाया गया है, तो उनके बारे में ही एक कयास लगाए जा रहे हैं। ज्यादा चर्चा ये हो रही कि शायद उनकी जो कुशलता है उनको देखते हुए, जिस तरह से उन्होंने चाइना में राजदूत रह के या अमेरिका में भी उनका जो कार्यकाल रहा है, तो इसको देखते हुए शायद प्रधानमंत्री ने उन्हें कैबिनेट में जगह दी है। तो ये माना जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद इस जयशंकर को ही जो पूर्व विदेश सचिव हैं उनको ये मौका मिल सकता है, लेकिन ये अभी तक जब तक ये औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती है ये कयास ही माना जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस जयशंकर को ज्वाइन कराया गया है, तो ये काफी हद तक ये माना जा रहा है कि शायद विदेश मंत्री का पदभार उन्हें मिले। जयशंकर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। तो कैबिनेट बैठक से पहले जहां मंत्रालयों का बंटवारा हो सकता है, 57 मंत्रियों का पदभार आज सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं सबसे ज्यादा जो निगाहें टिकी है वो है अमित शाह के विभाग पर है, जिन्हें वित्त मंत्रालय दिए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं।